हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से न्यू ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट क्या होने वाला है, तो इन सभी डिटेल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए, जो कि हम आपके लिए हर रोज़ लाते हैं। तो गाइस, ये जो न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आउट हुआ है। तो इसमें जो पोस्ट होने वाली है वो नाविक की जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए पोस्ट है एंड यांत्रिक की पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट हुआ है। और अगर आप मतलब एलिजिबल हुए या फिर इंटरेस्टेड है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप 2 जुलाई से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 16 जुलाई लास्ट डेट होने वाला है, तो इसके बीच आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो होने वाले हैं गाइस, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं ये मेल इंडियन सिटीजन से है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, जो कि नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक की पोस्ट होने वाले हैं। तो गाइस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है ये नाविक की यानी कि जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए 10+2 यानी कि 12th पास हुआ होना चाहिए, लेकिन मैथ्स एंड फिजिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में। उसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए गाइस 10th क्लास पास स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है यांत्रिक की पोस्ट के लिए, तो यांत्रिक की पोस्ट के लिए गाइस 10th क्लास पास स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, वो भी 3-4 ईयर्स का जो डिप्लोमा होता है वो आपने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। और अगर आपने मतलब 12th भी पास किया है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने डिप्लोमा ये किया हुआ होना चाहिए 2 और 3 ईयर्स का भी चल जाएगा। तो गाइज, अगर आपने ये सब किया है तो आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आता है गाइज एज लिमिट। तो एज लिमिट में मिनिमम 18 ईयर्स है, तो मिनिमम 18 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, और मैक्सिमम 22 ईयर्स है, तो 22 ईयर्स तक जितने भी कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन तो नाविक जीडी एंड यांत्रिक की पोस्ट के लिए गाइज आपके जो बर्थ डेट है वो 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 तक होनी चाहिए, और नाविक की पोस्ट के लिए गाइज आपके बर्थ डेट 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 तक आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। अपर एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, और 3 ईयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी कैंडिडेट्स को। तो ये आप देख सकते हैं कि नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए यूआर के कैंडिडेट्स के लिए 108 सीट्स है या फिर वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 26 है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 67 है, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 19 है, एससी के लिए 40, और टोटल नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज होने वाली है 260 पोस्ट। तो नेक्स्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो होने वाला है वो यूआर के कैंडिडेट्स के लिए 23 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5 है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 17 है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 2 एंड एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3। टोटल कैंडिडेट्स, टोटल जो वैकेंसीज होने वाली है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वो कंप्लीट टोटल वैकेंसीज है 50। उसके बाद यांत्रिक मैकेनिकल के जो कैंडिडेट है उनके लिए 8 वैकेंसीज है यूआर के लिए, 3 वैकेंसीज है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 6 एंड एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है यांत्रिक मैकेनिकल में, और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज है, और टोटल वैकेंसीज होने वाले हैं 20। उसके बाद यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए यूआर कैंडिडेट्स के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट होने वाला है 13 पोस्ट। तो गाइज, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो होने वाला है वो यूआर कैंडिडेट्स के लिए 6 पोस्ट रखे हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी के लिए 0 है, एसटी के लिए भी 0 है, और एससी के लिए भी 0 है। तो गाइज, ये कंप्लीट जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और यहाँ पर आप कंप्लीट जानकारी पढ़ सकते हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में भी देख सकते हैं। और गाइज, जो ऑफिशियल लिंक्स है जैसे कि नोटिफिकेशन का लिंक भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी फॉर्म अप्लाई की लिंक मतलब एक्टिवेट हो जाएगी 2 जुलाई से, तो आप यहां पर से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहां से आप जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट की जो लिंक है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।